हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस डिस्कस करेंगे फॉर द कमिंग फ्यू ट्रेडिंग सेशंस तीन ट्रेडिंग सेशंस बाकी हैं और मार्केट क्या कर सकता है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे देखिए बैंक निफ्टी अभी तक इस महीने में 4.6 परसेंट अप हो चुकी है ऑन एन एवरेज ये थ्री तक अप रहती है बेस्ड ऑन द एवरेज फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स और निफ्टी इज अप ऑलमोस्ट टू ओनली पर यू uh, नो you know, uh, ऑन एन एवरेज वन पॉइंट सेवन परसेंट तक अप रहती है मंथली चार्ट में हमने बहुत ही अच्छा मुंह दिया है कि मार्केट ने मंथली में एक डोजी बनाई थी और उसके बाद फिर यहाँ से देखिए एक अच्छी कैंडल बनी है लास्ट मंथ का हाई था हमारा सेवेंटीन थाउजेंड एट हंड्रेड और वहीं भी मार्केट बहुत स्ट्रगल कर रहा है आज भी सेवनटीन थाउजेंड एट हंड्रेड के आसपास से ही पलटा है तो अब मार्केट में क्या हो सकता है उसके ऊपर हम फोकस करते हैं बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट में अगर हम जाएँ तो उधर भी एक डोजी बनी थी और बैंक निफ्टी ने लास्ट मंथ का हाई था फोर्टी वन सिक्स सेवेंटी वन अभी उससे थाउजेंड पॉइंट्स ऊपर है तो अब देखते हैं कि मार्केट नेक्स्ट मूव क्या कर सकता है अर्निंग्स बहुत ही अच्छी आई है हैं सारे बैंक्स की और उसके कारण मूवमेंट हो रहा है नाउ कुछ इंपॉर्टेंट एस्ट्रो एस्पेक्ट बन गए सबसे पहले बन रहा है कॉन्ट्रा एंटेस एस्पेक्ट ये क्या होता है एंटेस एंड कॉन्ट्रा एंटेस आर स्पेशल काइंड ऑफ एस्पेक्ट दे रिप्रेजेंट नॉट सम स्पेशल एंगल बिटवीन टू प्लैनेट्स बट ए सिमेट्रिकल पोजिशंस इन रिगार्ड टू डिफरेंट एक्सेसिस तो ये एस्पेक्ट्स बेसिकली एंगल जीरो डिग्री नाइन्टी डिग्री नहीं होती एक सिमेट्रिकल पोजिशन होती है ये एस्पेक्ट्स बहुत ही रेयरली बन रहे हैं और ये एस्पेक्ट बन रहा है जुपिटर और जुपिटर एंड सेटन का लास्ट टाइम ये एस्पेक्ट बना था आपका इधर नाइन सेवन टू थाउजेंड फोर्टीन टॉप बना था उसके बाद रेगुलरली तीन चार दिन मार्केट घिरे थे और अभी ये एस्पेक्ट बन रहा है लगभग इधर मतलब आज बना है ये एस्पेक्ट तो आज एक डोजी कैंडल भी बनी है कोई भी, भी एस्ट्रो डेट के दिन कोई डोजी कैंडल बन जाती है तो इट्स इट्स यू नो अ वेरी गुड ट्रेड सेटअप यू नो क्योंकि आपकी रिस्क बहुत कम होती है आपका रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो सकता है तो सबसे पहली चीज है कि भाई ये काउंटर एस्पेक्ट बना है सेकेंड चीज है ट्वेंटी फिफ्थ अप्रैल को बेर्स का रूल नंबर टू भी आ जाता है जो बोलता है ट्रेंड गोज डाउन विद इन थ्री डेज वैन स्पीड डिफरेंस ऑफ मार्स एंड मरकरी इस रूल को मैं आपको लगा के बताता हूँ यहाँ पे हमने लगाया स्पीड डिफरेंस ऑफ बिटवीन मार्स एंड मर्करीज फिफ्टी नाइन मिनट्स एंड इट जनरली लीड्स टू बिग मूव इसको कैलकुलेट करते हैं uh, ये एस्पेक्ट बनता रहता है देखिए इसके बाद एक अच्छा मूव आया हमें uh, यहाँ पे भी बना तो उसके बाद एक अच्छा मूव आया एकदम बॉटम मन के अच्छा मूव आया तो ये दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पे बेर्स रूल जो आज बनाए एक और बेर्स रूल सिक्स है जो बोलता है प्राइज इज इन इट्स बॉटम और टॉप वेन मार्स वॉज इन सिक्सटीन डिग्रीज एंड प्लस सम डिग्रीज तो ये भी रूल आ रहा है पर सबसे इंपॉर्टेंट है जुपिटर कॉन्ट्रा एंटिस सेटन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है और इसका इम्पैक्ट हम कल देखेंगे तो ये तो हुआ हमारा एस्ट्रो जो इम्पोर्टेंट डेट है अब इस पर हम यूज़ कैसे कर सकते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी के ऊपर चल सकते हैं बैंक निफ्टी ने तो कुछ यू नो हाई राइज बनाया जा रहा है अच्छी तरह से बाजार आज एक थोड़ी सी रेड कैंडल दिए लास्ट थर्टी मिनट्स में सेलिंग है जब भी लास्ट थर्टी मिनट्स में सेलिंग आती है तो अगर uh, जो आजकल लो है फोर्टी टू सिक्स ज़ीरो वन अगर ये टूट जाएगा तो दे इज़ ए हाई प्रॉबिलिटी वंस फोर्टी टू फाइव हंड्रेड ब्रेक्स ऑन बैंक निफ्टी ये जो हाई है इसका हाई है फोर्टी टू सिक्स ज़ीरो थ्री और जैसा मैंने आपको बताया था सिक्स मंथस का पीरियड भी होता है uh, जो है फोर्टी टू सिक्स सेवेंटी नाइन एक्जैक्टली उधर क्लोज हुआ है जब भी इसके आस पास आता है मार्केट एक्स लैके मैगनेट आज इसके ऊपर गया था पर इसकी क्लोजिंग नहीं दे पाए इसके ऊपर तो दे इज़ ए हाई प्रॉबिलिटी कि भाई फोर्टी 2,500 ब्रेक हुआ तो 40,000 बहुत ही क्विकली आ जाएगा क्योंकि मंथली एक्सपायरी है दो दिन बाकी है और अगर ये गया हाँ, आज का ये 42,865 तो हमें 43,000 तक के 43,43 थ्री फोर्टी तक के भी मूव देखने को मिल सकते हैं और अगर मैंने अपना म्यूजिकल ऑक्टिव लगाया बैंक uh, निफ्टी में uh, जो यहाँ पे इसका बॉटम बना था तो देखिए 41967 तक है तब तक ये बायोन डिप्स का ही मार्केट है तो इसका मतलब नहीं किया हर डिप को बाई करें जैसे 42500 अगर ब्रेक किया तो आप वेट करिए 42300 का मतलब एक स्टैगर्ड मैनर में आप बाई कर सकते हैं या फिर 41967 वन आने का वेट करें क्योंकि मार्केट एकदम बहुत ही अच्छी तीन चार हज़ार पॉइंट की रैली दी है तो कंसोलिडेशन बहुत जरूरी है तो कंसोलिडेशन कभी होगा जब 41967 अगर ये ब्रेक हुआ तो फोर्टी तक भी जा सकते हैं इसका एक रीज़न क्या है कि भाई आप जब भी लास्ट वीक में आते हैं राइट जैसे ये देखिए जनवरी में अगर हम देखें ट्वेंटी फिफ्थ से एक अच्छी सेलिंग चालू हो गई थी ट्वेंटी फिफ्थ ट्वेंटी सेवन और थर्टी लास्ट मतलब लास्ट के जो मंथली आपका जो मंथ एंड होता है तो लास्ट के दो तीन दिन में अच्छी तेजी तेजियाँ मंदी रहती है जैसे अगर हम फरवरी में भी देखें तो फरवरी में देखिए ट्वेंटी सेवन फरवरी को वीवर अप वन परसेंट फिर थोड़ा सा तेज़ी आई आ, और इसने देखिए ट्वेंटी थर्ड फरवरी के आसपास एक टॉप बना बॉटम बना दिया था फिर मार्च में चलते हैं तो मार्च में क्या हुआ ट्वेंटी एट को एक अच्छी तेजी आई वन वन परसेंट की थर्टी एथ को भी थर्टी फर्स्ट को भी लगभग दो परसेंट की तेजी है तो लास्ट के जो दो दिन होते हैं उस दिन कोई अच्छा मूवमेंट रहता है एक से दो परसेंट का इंडस्ट्रीज़ में आराम से अब देखिए ये महीना खत्म हो जाएगा ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट सो फिर तीन ट्रेडिंग सेशन बाकी है तो लगभग हम दो परसेंट का मुंह एक्सपेक्ट कर सकते हैं बोथ फ्रॉम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी राइट अब सेवेंटीन निफ्टी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो मैंने बताया मंथली है लास्ट uh, मंथ का हाई भी था दूसरा है कि भाई आपका हंड्रेड डे मूविंग एवरेज इस लेवल के आसपास आ रहा है तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है गैन का ऑक्टिव पॉइंट सेवनटीन एट वन सेवन हमारा फिफ्टी परसेंट रिप्लेसमेंट पॉइंट है फिफ्टी सेवनटीन एट वन सेवन से सेवनटीन फाइव फिफ्टी के बीच में ही मार्केट चल सकता है अगर ये ब्रेक हुआ तो एटीन एट जीरो फाइव तक भी जा सकता है तो बैंक निफ्टी ने सैप के नीचे क्लोज़ की है बैंक निफ्टी 50 परसेंट के आसपास एक डोजी कैंडल बना रही है तो इसके टारगेट्स क्या हो सकते हैं मैं आपको इंट्राडे इंडिकेटर में बता देता हूँ तो यहाँ पे हम इंट्राडे रेशियो इंडिकेटर में आ गए हैं रिसर्च चार्ट व्यू किया दीज आ... आर प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स बहुत सारे जने पूछते हैं तो इसको आप मेरी साइट पर जाइए एंड अन्गैन एंड नेस्ट्रो इंडिकेटर्स कोई रॉकेट साइंस नहीं आप खुद भी डेवलप कर सकते हैं पर जिन लोगों को पाइन नहीं आती उनके लिए हेल्पफुल रहता है तो हमारे यहाँ पे कुछ बेसिक इंडिकेटर्स रहते हैं जो हमारे काम आते हैं आ, तो अब हम इधर आ रहे हैं बैंक निफ्टी का अगर मैं इंटरडे रेशियो पे लगाऊंगा तो इसका बेसिकली आज का हाई है सेवनटीन एट ज़ीरो सेवन एंड लो है सेवनटीन सेवन वन सिक्स सेवनटीन एट जीरो सेवन हाई है वन डबल सेवन वन सिक्स लो है तो ये मेरा प्लान एकदम क्लियर कट आ जाता है इस चार्ट को रीसेट कर देते हैं <coughs> क्या बोल रहा है प्लान कि 815 के ऊपर तेज़ी कीजिए मैं बोलूँगा 826 के ऊपर कीजिए 826 ट्वेंटी सिक्स क्योंकि ये आपका 817 भी है एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपका म्यूजिकल ऑक्टिव होता है जो हमारा वो वो भी सेवनटीन एट ट्वेंटी होता है अगर मैं इधर से लूँगा तो आर इंपॉर्टेंट देखिए यहीं से रिएक्ट किया था पहले भी तो एट के ऊपर आप तेजी कीजिए एंड देन आवर टारगेट्स विल बी एट एंड ऑल देट एंड ऑन डाउन साइड इफ़ सेवेंटीन सेवन जीरो सेवन इज ब्रोकन तो ये हमारे टारगेट्स हो जाते हैं बहुत ही फास्ट होंगे टू इस बन रही है मल्टीपल तो हमें रेडी रहने पर लॉन्ग लेट टू जी बनाइए उसी तरह से बैंक निफ्टी का भी निकाल देते हैं बैंक निफ्टी देखिए ये रेड लाइन गैन की लाइन्स जो ब्लू लाइन से इनसे रिएक्ट किया है तो यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाना चाहिए इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फोर्टी टू फोर थर्टी वन फोर्टी टू फाइव हंड्रेड से फोर्टी टू फोर थर्टी वन अगर वो बाई चांस ब्रेक हो गया तो ये फोर्टी टू थाउजेंड तक फटाफट आ सकता है तो अब इधर हम अपना इंटरडे डे लगा देते हैं। मास्टर लेवल्स को मैं हाइट कर रहा हूँ इंटरडे डे पे गए डेली चार्ट पे मैं आ गया हूँ और यहाँ पे गए इसका हाई है आज का फोर्टी टू एट फिफ्टी टू एंड लो इज फोर्टी टू सिक्स वन फाइव फोर्टी टू लो है फोर्टी टू सिक्स वन ओके कर दीजिए प्लान एकदम क्लियर हो जाएगा ये लेवल्स आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं 873 के ऊपर तेजी है और 42 uh, 593 के नीचे मंदी है और ये हमारे टारगेट्स है आप वीडियो पॉज करके देख लेना और कल का मैं इंटरडे टाइमिंग्स भी बता देता हूँ आपको <laughs> मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया अभी तो मैं इधर गया इंडिकेटर्स में और यहाँ पे एस्ट्रो टाइम साइकिल को सेलेक्ट किया और इसको इधर लगा दिया तो ये मेरा इम्पॉर्टेंट लेवल्स आके देखिए आज भी अच्छा मूव दिया तो एक हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा नाइन फोर्टी सेवन फिर होगा टेन थर्टी वन फिर होगा ट्वेल्व नाइनटीन फिर होगा वन थर्टी नाइन एंड टू ओ सेवन ये हमारे चार पाँच टाइमिंग रहेंगे तो इस तरह से है तो कॉन्ट्रेंटिस एस्पेक्ट बना है प्लस बेयर्स के रूल भी है तो होपफुली विल सी सम यू नो नाइस मूव इन द मार्केट सो बी रेडी फॉर इट स्टे डिसिप्लिन ट्रेड विद इन योर लिमिट साइज़